अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बात करेंगे वो तमाम लोग जो किसी भी गवर्नमेंट इदारे में काम करते हैं, मोस्टली तो आप ओमानी हैं, और उनके लिए भी 2022 में नया रूल आ जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है एक नया सिस्टम बना रही है, और उस सिस्टम के तहत जो है लोगों की प्रमोशन होगी, तरक्की होगी, इंक्रीमेंट लगेगा, या बोनस वगैरह जो मिलते हैं वो मिलेगा, यानी परफॉर्मेंस बेस कह सकते हैं कि तरक्की होगी फ्यूचर में। और जनवरी 2022 से ये रूल इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ये अभी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, बाकी इसमें अगर कुछ एक्सपर्ट्स बच जाएंगे तो डेफिनेटली दे विल गेट बेनिफिट ऑल्सो। बाकी दूर दूर तक कहीं भी दूसरे एक्सपर्ट्स के मतलब या प्राइवेट इदारों के मतलब कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि प्राइवेट इदारों में भी मिनिमम वेजेस का है, बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं उनकी बहुत कम वेज होती है, उसके मतलब भी एक लॉ होना चाहिए। और आप सब भी इस चीज़ को जो है ना वो पॉइंट आउट करें, ताकि ओमान गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर भी एक्शन लें, और एटलीस्ट मिनिमम वेज जो है एक्सपायर्स के लिए वो भी मुतय्यन की जाए, और जनवरी 2022 से ये रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आज 29 जुलाई है और दिन है जुमेरात का, आज स्प्रिंग कमेटी की मीटिंग भी है। सो लेट्स सी, और देखते हैं कि हमारे मतलब क्या फैसले आते हैं, स्पेशली फ़्लाइट और वीज़ा के मतलब। सो जैसे कोई अपडेट आती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।